यस। सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से और गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज का सेशन बेहद खास, जैसा कि आपने हमने कम्युनिटी पोल में मैसेज डाला था कि किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो वहाँ पर लगभग 70% बच्चों ने बोला कि आश्रय की एनडीए और एसएसबी जर्नी कैसे रही, क्या रही, उस पर वीडियो लाया जाए। क्योंकि ट्वेल्थ करने के बाद में हर एक बच्चे का, और मैं मान के चलता हूँ लगभग 80% बच्चों का एक सपना होता है कि डिफेंस में जाए और आर्म फोर्सेस में जाकर के देश की सेवा करें। बड़ा ही मैं समझता हूँ अच्छा और बहुत ही प्रेरणादायक काम है ये, और फील्ड में जाने से बहुत ही अलग है। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाकर के देश की सेवा करते हैं, इसकी सुख की अनुभूति जो होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज मेरे साथ आश्रय जुड़ गए हैं। आश्रय, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज और आज हम शुरुआत करेंगे तुम्हारी पूरी जर्नी की। पहला जो तुम्हारा एसएसबी था वो था भोपाल में। भोपाल में था आपका एनडीए क्लियर हुआ सबसे पहले। जी सर, आपको याद ना हो मैंने बोला था कि तुम्हारा रिजल्ट, एनडीए का रिजल्ट आ गया है आश्रय, तो तुमने बोला था कि ठीक है भैया मेरा रोल नंबर देखो और बताओ क्या हुआ। तो मैंने चेक करके तुरंत बताया था हाँ भाई तेरा रिटर्न हो गया है। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, तूने अपने प्लान्स की भैया क्या करना है कैसे करना है, मैंने एकेडमी सजेस्ट की थी और ऑलिव ग्रीन्स में जाकर के तूने वहाँ ट्रेनिंग की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑलिव ग्रीन्स में क्या रहा, कैसा रहा, वहाँ का अनुभव कैसा था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो, बातों को रखो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जब मेरा रिजल्ट पब्लिश हुआ। तो जैसे आपने चेक करके जी क्लियरली ऑडिबल, तो सबसे पहले जब आप अपने रिजल्ट चेक करके बताया तो एकदम से खुशी की लहर सी आई कि हाँ फर्स्ट स्टेप क्लियर। तो फिर आपने तुरंत एक बात बोली थी कि अब तू लग जा जम के एसएसबी की तैयारी में अच्छे से, और एक दिन में नहीं होगा, अभी एक दो महीने मिले अच्छे से हो जाएगा और ऐसे से ऑलिग्रीन चला जाए और रिजल्ट क्लियर हो गया। इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना, खुश होने की बात है पर ज्यादा नहीं होता कि मेहनत करना छोड़। तो मेरे तब समझ में आ गया था कि हाँ अभी ठीक है, खुशी है लेकिन इतनी नहीं है अभी। देन ऑलिव ग्रीन में रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए, वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ के जो डायरेक्टर है वो है कर्नल गडोक सर एंड कर्नल डीजे चहल सर। तो कर्नल डीजे चहल सर को देख के लगा, मतलब उनकी पर्सनैलिटी देख के, हाँ डिफेंस एक्सपेंसेस होता है, व्हाट शुड बी अवर टोन, किस वे में हमको बातें करनी है, ऐसे करते हैं। तो जब भी हम किसी एसएसबी की ट्रेनिंग्स मगर लेने जाते हैं तो कोचिंग वगैरह करने जाते हैं तो हम मेजरली 14 डेज प्रोग्राम चलाते हैं हमारे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह। तो इनमें 14 डेज में वो हमको आइडिया देते हैं कि एसएसबी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो मात्र 14-15 या 10-12 दिन का होता है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं अलग अलग तरह से कराते हैं। ऑलिव ग्रीन्स का 14 दिन का होता है, फीस भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ वो मेहनत बहुत कराते हैं। सुबह ले जाते हैं और आपको शाम तक वहीं रखते हैं, है ना। सुबह के लगभग 4-5 बजे तक आपको इंगेज रखते हैं, चाय भी मिलती है वहाँ पे, नाश्ता भी मिलता है, हल्का फुल्का कभी कभी मिलता है, फिर खाना मिलता है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है ऑलिव ग्रीन्स में। मैं मान के चलता हूँ कि एक साधारण बच्चा जब जाता है वहाँ देखता है कि सैनिक स्कूल से भी पढ़े हुए बच्चे भी आ रहे हैं वहाँ पे, मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट ब्रांडेड स्कूलों से पढ़े हुए, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जा रहे हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स रहती है बच्चे के मन में। तो तुम्हारे मन में जब आपने वहाँ पे एंटर किया, वहाँ पे आपने पहली क्लासेस वगैरह ली थी, तो पहली क्लासेस क्या थी और तुम्हारा क्या उस सब चीज़ों को लेकर के था, इसको बताएं। तो सबसे पहले तो हम संडे को हमारी रिपोर्टिंग थी वहाँ पर, तो हमें नॉर्मली अपने अलॉट कर दिए गए थे रूम्स वगैरह, एक हॉल सा है, हॉल में 30-40 बच्चे, उसी में अच्छे अच्छे सबके बेड्स अलग, सबके अलमीरा वगैरह अलग। तो वहाँ पे सैनिक स्कूल वाले बंदे दोस्त थे, सबसे पहले मेरा एक दोस्त है मोहित,
सारस्वत वो सैनिक स्कूल से, चित्तौड़गढ़ से था, वो सबसे पहले वो दोस्त था। तो हम क्या है, नॉर्मली स्कूलों से निकल के जाते हैं, कुछ आइडिया होता नहीं है, लेकिन वो बंदे दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हमसे वो यस प्रिपेयर्ड होते हैं। तो वहाँ जाने का, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने का, नॉट ओनली इन ओलिग्री, हमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि जो चारों ओर से बच्चे आए हुए होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होती है, हर एक क्षेत्र में वो एक महान मतलब कुछ ना कुछ करके आए हुए। तो हमें लग, और जिस क्षेत्र में हमने क्या होता है, हम उन्हें प्रेरणा देते हैं उस क्षेत्र में, तो हमें काफी सारी नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाती है, उससे हमारा क्रिएटिव माइंड सेट हो जाता है, क्रिएटिव माइंड सेट हमें नॉलेज दे देता है, और नॉलेज से तो फिर हम अच्छा करते हैं आगे चल के। तो बिल्कुल ये सारी चीजें मतलब लिंक टू लिंक कनेक्ट होती रहती है, एक अच्छी कम्युनिकेटिव सोसाइटी मिल जाती है, एक अच्छे फ्लो वाले लोग मिल जाते हैं, वो बंदे जो डिफेंस का ड्रीम देख रहे हैं हमारी तरह, वही एस्पिरेंट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, तो हमारी तैयारी को बूस्टअप मिलता है, क्योंकि कोई भी कोचिंग 14 दिन में चेंज नहीं करते, लेकिन 14 दिनों के बाद भी हम टच में रहते हैं, गूगल मीट्स वगैरह करते रहते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे धीरे धीरे पर्सनैलिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आता चला जाता है। तो वहाँ जाने का एडवांटेज यही है कि नॉट ओनली वी आर स्टडिंग इन क्लासरूम्स, बट ऑल्सो इन हॉस्टल्स वी आर डिस्कसिंग समथिंग लाइक पीपीटी, नरेशन, ग्रुप डिस्कशंस, एनी टॉपिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, तो हमें इनकी काफी अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। तो बात करता हूँ फर्स्ट सेशन है नॉलेज की, तो फर्स्ट सेशन ओरिएंटेशन सेशन था, जो डीजे कर्नल डीजे से हल नहीं दिया था, तो तभी हम हमें लग गया था कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट टू क्लियर द एसएसपी। तो ये माइंडसेट रखना है हमको, जेन्युइनिटी रखनी है एकदम अपने अंदर, बी प्रैक्टिकल सोचना है हमेशा, एंड एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाना, मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज के साथ, कुछ ये नहीं है फ्रॉड कर दी और फालतू की बेवकूफ करने के साथ, कुछ अपनी वैल्यूज होनी चाहिए, एक सेल्फ एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए, और एक सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, और कुछ डिटर्मिनेशन वगैरह ये होने चाहिए। तो उधर हमें ओरिएंटेशन सेशन में ये पता चला, कोर क्वालिटीज 15 OLQs ऑफ एसएसपी। आज से आई विल इंटरप्ट यू फॉर अ सेकंड, आई वुड लाइक टू आस्क सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच मस्ट बी स्ट्राइकिंग इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या हो सकते हैं वो क्वेश्चन? काफी सारे बच्चे सोचते हैं इफ वी आर गोइंग टू फेस एन एसएसबी आईएसएसबी then our communication skills should be too good, I appreciate and I agree, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि वहाँ पर केवल और केवल इंग्लिश के दम पर ही सिलेक्शन होता है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ, मुझे नहीं लगता केवल इंग्लिश के दम पर सिलेक्शन होता है या रुकता है। क्या आप तो इस बात से सहमत हैं? इसके ऊपर सबसे एक एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल। तो मेरा एक दोस्त बना एसएसबी में 21 एसएसबी भोपाल में, उसका नाम था सिद्धार्थ आंकमर, ही गेट 4 टाइम एसएसबी थ्रू एनडीएन, और ही वाज फ्रॉम बेंगलोर, साउथ इंडियन स्टूडेंट, कॉन्वेंट स्कूल, पेरेंट्स और इंजीनियर, एंड मतलब वेरी हाई सोसाइटिकल क्लास से था वो, एंड इवन दो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो ही वाज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट 3 टाइम्स ही गॉट कॉन्फ्रेंस और स्क्रीन आउट। तो इंग्लिश डजंट मैटर, योर एटीट्यूड, योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, एंड हाउ यू आर मतलब सोशल अडेप्टेबल, हाउ यू आर टैकलिंग विद द प्रॉब्लम सिचुएशंस, हाउ प्रैक्टिकल यू आर, तो दीज थिंग्स मैटर्स। हाँ इंग्लिश मैटर करती है, बट उतना ही जितना की समझ में आ जाए किसी, उससे ज्यादा नहीं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर शशि थरूर सर के मतलब उनको कहीं इंग्लिश स्पीच दे लो, दे आर नॉट कॉल सेंटर में नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, और उसने ही प्रूव कि कम्युनिकेशन अगर इंग्लिश ही मैटर करती तो पहले 3 अटेम्प्ट में हो जाता। सही बात है। यही अभी मैं आपको आश्रय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो उन्होंने अपने एसएसबी के बारे में शेयर किया था। क्या था कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, और यही बातें मैं समझता हूँ कि तुम्हें भी लिंक करती होंगी कहीं ना कहीं। सबसे पहले कलाम साहब कह रहे हैं एट द सलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वार मोर ऑन पर्सनैलिटी देन ऑन इंटेलिजेंस, मतलब कि इंटेलिजेंस से ज़्यादा जो ऑफिसर्स का ध्यान होता है वो पर्सनैलिटी पे होता है। यही बात मैं कह रहा था, यही बात मैंने तुम्हें भी पहले से बता रखी थी कि पर्सनैलिटी का ही टेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है।
वहाँ पे कॉल ये तो सेंटर में आप नहीं जा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप केवल वही तब तक सेलेक्ट हो पाएंगे अगर आपको आप लगते हैं कि हाँ ऑफिसर बनने लायक हैं। आगे बोल रहे हैं, परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो जो ऑफिसर्स थे वो फिजिकल फिटनेस को शायद हो सकता है देख रहे हो, है ना। और आगे बोल रहे हैं, आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस। कह रहे हैं देखो ये बहुत एक एक लाइन में देखना दम कितना है। मैं एक्साइटेड तो ठीक था एसएसबी को लेकर के, लेकिन नर्वस भी था। जी। एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस ऑटोमेटिक आता है। देखो दुनिया में ऐसा तो कोई मुझे इंसान नहीं है जिसको नर्वसनेस ना जी, हुआ हो, इवन मुझे सचिन एक आपकी एक तेंदुलकर बात याद भी। आ रही है सर। हाँ बोलो। सर आपकी एक बात याद आ रही है मुझे, जब मैं एसएसबी सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, 21 SSB के बाहर, तो रिपोर्टिंग सुबह सुबह का टाइम था, मैंने कॉल किया था आपको, याद है कि भैया रिपोर्टिंग है, थोड़ा सा फियर फील हो रहा है, हल्का सा मतलब डर लग रहा है। तो आपने बात बोली थी कि देखा सर, डर सबको लगता है, कोई बंदा ऐसा है नहीं जिसे डर नहीं लगता, इवन दो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द चीफ ऑफ नासा और इसरो। तो लेकिन जिसने शो कर दिया वो मारा गया, तो बस ये डर को ह्यूमन दबा के नेचर रख, है। देखो इंसान के बेस पे गया और अंदर मैं ये स्टेज मिलेंगी। उसी बेस पे मैं गया, अच्छे से डर को काबू करके बी कॉन्फिडेंट फ्लुएंसी के साथ बोला और एक शायरी मारी उसमें, कॉन्फिडेंट हो गया एकदम अपने नरेशन में। लोग बोलते हैं कि यार तू नरेशन में शायरी कैसे बोल के आया, मैं नरेशन में शायरी बोल रहा हूँ अपने हिंदी में, वो भी मतलब टोटल नरेशन वाज इन इंग्लिश। जब हम प्रोपीपीडीटी स्टोरी लिख देते हैं तो नरेशन करना पड़ता है, द ओवरऑल नरेशन वाज इन इंग्लिश, बट इन बिटवीन द नरेशन दो लाइन की मैंने शायरी बोली हिंदी में। तो मेरा जीटी ऑफिसर ऐसे बैठे हुए थे, पहले ऐसे जो सामने बैठे होते हैं, तीन ऑफिसर वैसे होते हैं, इंटरव्यू साइकिलो जीटी, ऐसे बैठे हुए थे, एंड लिटरली जैसे ही मैंने शायरी बोली, खड़े होकर हम नरेट कर रहे थे, तो ही वाज लाइक दैट, ऐसे ऐसे करके मतलब फोकस करके एकदम से। तो ये चीजें इम्पेक्ट करती हैं कि यस तुम यस कितना टाइम यस। से दे रहे हो। एक्चुअली जहाँ तुमने शायरी बोली वहाँ ये 100% श्योर हो गया कि इस बच्चे के दिमाग में नर्वसनेस है ही नहीं। है ही नहीं, अभी तो अभी ये वो खुले देख रहे हैं मैं दिमाग से नर्वस बोल रहा नहीं। है ना। हाँ आगे क्या लिख रहे हैं देखो, आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस। मैं नर्वस था। डिटरमाइंड बट एंजाइसियस। एंजाइसियस का मतलब हो गया कि थोड़ा परेशान भी था। कॉन्फिडेंट था, आगे कह रहे हैं कॉन्फिडेंट बट टेंस, लेकिन तनाव में भी था। अब ये जो तनाव होता है ये देखो यहाँ दिखता है। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं पता चल पाएगा, भाई उनका 20 20 25 25 साल का कैरियर रहता है हर साल। वो कितने बच्चों का एसएसबी लेते हैं, उनको तुम्हारी हर छोटी वो से बोलते हैं छोटी सर, बड़ी से बड़ी चीज़ ऑटोमेटिक दिखने लग जाती है ना। सर वो और हमेशा एक बात आगे बोलते बस हैं, मैं लास्ट करता हूँ। आगे कह रहे हैं 25 बच्चे थे, उनमें 8 का स्लॉट खाली था, लेकिन उनका रैंक जो रहा वो 9th रहा। दैट्स व्हाई ही कुड नॉट सक्सीड इन बिकमिंग ए पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। हाँ तो ये जर्नी रहा, उनका रैंक रहा 9th, दैट्स व्हाई ही कुड नॉट सक्सीड। अब तुम कहो। तो सर कुछ कुछ बंदे होते हैं जो फेक पर्सनैलिटी लेके एसेसमेंट इंटरव्यू हो जाते हैं, ऐसा होता है कि अच्छे बंदे आउट हो जाते हैं, लेकिन कोई फेक बंदा इन नहीं हो सकता, ये उनकी गारंटी बिल्कुल है। सही बात है। तो होता क्या है कि जो उनकी एज और एक्सपीरियंस है वो हमसे 3 गुना है। अब मेरी एज 18 साल होती है, 17 18 साल का बंदा इंडिया इंटरव्यू देने जाता है, और वो 34 35 साल सर्विस कर चुके होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, तो दे सर्व मोर देन अवर हाउ ओल्ड वी आर। तो ये तो हम उनका तो काट नहीं सकते, जो हमसे और हमारी एज से दुगनी तो सर्विस कर चुके हैं वो, तो उनको सब पता है कि चिड़िया कहाँ उड़ेगी, कहाँ बैठेगी, कहाँ फंसेगी, तो हम लेकिन तो बहुत एकदम हद तक चीजें बी कंट्रोल की नेचुरल जा होते जाता सकती है ना। बहुत हद तक चीजें है। कंट्रोल की जा सकती है, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। अगर देखो क्या होता है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस लाजमी है, इंसान है, इंसान को गुस्सा आता है, ह्यूमन नेचर प्यार आता है ना, और डर भी लगता है, तनाव भी होता है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन नेचर की एक पार्ट है। लेकिन एक्सेसिव कुछ भी होगा, कुछ बहुत ज़्यादा होगा, मान के चलो आपको किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तब फिर ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। फोबिया किसी चीज़ को नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इंसान को फेस करते वक्त तुम्हारे हाथ पर ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे, तब तुम पकड़े जाओगे। कुछ बच्चों का क्या हो रहा है कि बैठे हैं
और किसी से बातें कर रहे हैं, कोई कुछ समझा रहा है या कुछ वो समझ रहे हैं, ऐसा करके नेल बाइटिंग का आदत रहता है। दरअसल में ये सिम्टम्स होते हैं कि आप पक्का नर्वस में नर्वस हो गए हैं। कुछ बच्चों का क्या रहता है, उनके हाथ ऐसे करके रहते हैं, ऐसे करके हिलते रहते हैं, कुछ बच्चों के पैर हिलते रहते हैं। ये ना केवल SSB के लिए, बल्कि आप ज़िंदगी में ज़िंदा रहना चाहते हैं और इंसान अपने आप को दिखाना चाहते हैं और इस दुनिया में किसी भी काबिल बनना चाहते हैं, तो ये सिम्टम्स आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे के अंदर होने चाहिए, है ना। ये पक्का नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। वो बोलते हैं ना सर, एक कोट बोलते हैं और सारे ऑफिसर्स बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस से कि ए सोल्जर नेवर फियर्स। बिल्कुल सही, पीपल फियर्स व्हेन सोल्जर कम्स, व्हेन सोल्जर कम्स। बिल्कुल, तो ये है कि मतलब सोल्जर हो तो फिर डर नहीं सकते, और अगर डर रहे हो तो सोल्जर। ठीक है, 12 दिन का तुम्हारा वहाँ SSB प्रोग्राम रहा, उसमें 14 दिन तुमने का, खास सॉरी 14 दिन का, उसमें तुमने काफ़ी दोस्त बनाए थे जैसा कि तुमने बताया, और वहाँ पे सारी चीज़ें दो दो तीन तीन बार आपको एक बार दिखा देते हैं कि भाई ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है, मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, एक डेमो दे देते हैं बस। हाँ, आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ होगा, पर्सनल इंटरव्यू दरअसल में काफ़ी मैटर करता है, हालांकि चीज़ें सारी मैटर करती हैं, है ना जी, चीज़ें सारी मैटर करती हैं, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू कहीं हद तक ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में वो कहीं हद तक सभी बच्चों को बोल देते कि हाँ तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, तुमसे क्या कहा था आश्रय। तो सर मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू शेयर करता हूँ भोपाल का, भोपाल अभी तुम मेरा यहाँ का करो, ऑलिव ग्रीन में, अभी भोपाल पर जाएंगे, पहले ओलिव ग्रीन का खत्म करते हैं। हाँ सर, ऑलिव ग्रीन में क्या था, नॉर्मल पर्सनल इंटरव्यू हुआ हमारा, हमको बुलाया गया चेस्ट वाइज, तो इट वाज अराउंड 40 to 45 मिनट्स चला, और वहाँ पे नॉर्मली, हाँ जी, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या है, वो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बहुत बेसिक से कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे नाम की मीनिंग, तुम्हारा रोल क्या है फैमिली में कौन कौन, मतलब बहुत बेसिक। एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा बच्चे, कुछ बच्चे बच्चों के माँ बाप क्या करते हैं, जैसे कि तुमसे पूछा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आश्रय, टेल मी, है ना। एंड इनफैक्ट वो और भी क्वेश्चन इसमें ऐड अप कर सकते हैं, व्हाट्स योर फादर नेम, एंड देन आफ्टर वो कनेक्ट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, पापा के नाम का मीनिंग बता दो, ठीक है जी जी। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों का नाम रखने से पहले सोचते नहीं है, बहुत जल्दी में नाम रख दिया टीटू। अब बताओ टीटू का मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, अब वो बच्चा जाके वहाँ क्या बताएगा। तो जो पेरेंट्स जो देख रहे हो वो भी ध्यान रखें कि बच्चे का नाम थोड़ा होना चाहिए, इसका कुछ मीनिंग होता अच्छा होगा, है ना। बोलो आगे। तो ये नॉर्मल पूछते हैं नाम वगैरह का मतलब बताया जाता है, ऑब्वियसली पता भी होना चाहिए हमको। SSB मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अगर हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है तो हम क्या ही कर लेंगे, इफ वी डोंट नो आवर सेल्फ हु वी आर तो देन हाउ कैन दे एक्सपेक्ट केयर यू नो द वर्ल्ड। Yes. तो हमको अपने आपको तो जानना पड़ेगा। फिर सबसे पहले SSB में 3-4 सर्कल्स होते हैं। पहला सर्कल होता है कि नो योर सेल्फ, दूसरा सर्कल होता है नो योर सराउंडिंग्स, उसके बाद तीसरा सर्कल होता है नो योर सिटी, उसके बाद चौथा सर्कल होता है नो योर स्टेट, उसके बाद पांचवा सर्कल होता है नो योर कंट्री, एंड छठा सर्कल होता है नो योर गॉड। तो ये सारी चीजें मैं, अब जो सबसे छोटा सर्कल है वो है नो योर सेल्फ, ये 100% होना चाहिए। बेसिकली पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसी बात पे खत्म हो जाता है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि नहीं हमें पूरा वर्ल्ड अफेयर आना चाहिए, करंट अफेयर आना चाहिए, इंडिया की हिस्ट्री पता होना, कुछ नहीं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। दरअसल में वहाँ टीचर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें टीचर नहीं चाहिए, वो उनको जो चाहिए वो बना लेंगे। दरअसल में तुम्हारी बस क्वालिटी होनी चाहिए ऑफिसर लाइक, एम आई राइट। बोलो आगे। तो जो जो सेल्फ वाला सर्कल होता है वो हमको 100% पता होना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी बच्चा उसको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सराउंडिंग्स वाले में अगर आपको 80% तक चीजें पता है तो ठीक है, उसके बाद आपकी सिटी के बारे में आपको 60% चीजें पता होनी चाहिए, जो जिस सिटी में आप अपने बचपन काटा है, जहाँ पे आप रहे हो। उसके बाद जो आपका स्टेट है, एटलीस्ट यू शुड नो द 40% और 50% अबाउट योर स्टेट, कि सबसे स्टेट की राजधानी क्या है, स्टेट का कार्यालय, ये कार्यालय कहाँ पे है, ठीक है, CM साहब कहाँ पे बैठते हैं, या कितने MLAs हैं, कितने MPs हैं, ये सब चीजें कुछ, कौन आपका CM है, कौन आपका गवर्नर है, बेसिक चीजें बहुत नॉर्मल। उसके बाद होता क्या है कि आपका इंडिया, इंडिया के बारे में 40% नॉलेज होनी चाहिए, कितने स्टेट है, ये वो बेसिक नॉलेज, ये तो नॉर्मली बच्चे को भी पता होना चाहिए जी, बहुत बेसिक नॉलेज है जो बच्चे को भी पता। उसके बाद हमारा आता है वर्ड,
वर्ड के बारे में अगर इफ यू नो ओनली 10% और 20%, वो बहुत बेसिक चीज है, बहुत हाई बिल्कुल एडवांस चीजें नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो बोल रहे हैं नासा, तो आपको ये पता होना चाहिए नासा इज एन अमेरिकन बेस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस सेक्टर, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि एलोन मस्क, तो आपको पता होना चाहिए एलोन मस्क इज फ्रॉम अमेरिका। या नॉर्मल बहुत सारी चीजें होती हैं, गूगल, तो गूगल के बारे में पता होना चाहिए क्या है गूगल, या जेएनयू, या बोलते हैं और जो डब्ल्यूएचओ बातें वगैरह, पता ये हो। सारी संस्था। देखो एसएसबी का मतलब सीधा सीधा होता है मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि जी तुम्हारे मन में क्या है, जो मन में है क्या आप उसको बोल पा रहे हैं, और जो आप बोल पा रहे हैं क्या वो करने लायक है भी या बस बोल रहे हैं। तीनों बातें लिंक जी करनी होती करनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपको पता बहुत कुछ है, लेकिन एट द टाइम आपको याद नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, है ना, फंबल कर रहे हैं चीज़ों को, तो उन चीज़ों को फिर कुछ नहीं रह जाता है, वो फिर माइनस में चली जाती है। आप कितने जो भी जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उनको भी बिगाड़ देते हैं, हाँ वो नहीं करना होता बिल्कुल उधर। जो चीजें हैं एटलीस्ट उनको अच्छे से, उनको ही थोड़ा अच्छे से कोर क्वालिटीज को दर्शा दो, एक अच्छे वे में दर्शा दो, तो चलिए। वो तो थोड़ा प्यारे ठीक बच्चों है। अब चलते हैं वहां, उस वक्त उस समय जब इसका कॉल लेटर आया था आश्रय का, और आश्रय भोपाल में अपना एसएसबी देने गए थे। प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जब एसएसबी सेंटर में एंट्री होती है तो बड़ा ही खुशनुमा सा माहौल रहता है ना। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको 12 बजे उठने की आदत होती है, उनको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी, 5 बजे रात को वहाँ नींद पे भी नहीं आती, लाइन लग जाती है ना सेंटर में चार एंटर बजे करने। तक। हाँ, 4 साढ़े 4 बजे पहुँचना होता है। इसका मतलब ये होगा नींद पूरा होने की संभावना उसकी तो बिल्कुल नहीं है जो 12 बजे उठता है। उसको अपना शेड्यूल कम से कम 1 महीने पहले से सेट करके रखना चाहिए कि मुझे 4 बजे 3 बजे उठना है हर हाल में, है ना। 4 बजे लाइन लग जाती है, सब अपने अच्छे क्लॉथ्स या कह दें अपने अपने ड्रेस पहन के, अपने अपने यूनिफॉर्म जो भी उनको सूटेबल लगे पहन के जाते हैं, है ना, और ज़्यादातर सूट डाल के इस जाते हैं बात पे बच्चे। सर मैं सर एक बात बोलना चाहूंगा कि एसएसबी इज नॉट अबाउट व्हाट यू विल डू, व्हाट यू कैन डू, एसएसबी इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। यस, वो देखते हैं पीछे क्या करके आए हो। तुम अच्छा करके आए हो तो तुम आगे अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम नॉर्मली डेली टू डेली लाइफ में 4 बजे उठते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, फिजिकली फिटनेस रहेगी हमारी, हम लोग बजे काफी इनर करोगे स्ट्रेंथ क्या, बढ़ेगी, रनिंग करोगे, एक्सरसाइज रनिंग एंड ऑल, तो उससे क्या होगा और हमारा दिन भी अच्छा जाएगा। हमारे पास दिन में और लोगों की अपेक्षा ज्यादा टाइम होगा। जो व्यक्ति 8 बजे उठेगा उसके अपेक्षा भी 4 आवर्स मोर देन है। जो व्यक्ति बोलते हैं जो बच्चे के हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम टाइम बहुत उनके लिए होता है, ये बस बहुत यूटिलाइज ध्यान रखना चाहिए। तो एंटर होने के बाद फर्स्ट डे में प्यारे बच्चों आपको बताता हूँ, फर्स्ट डे सभी बच्चों को क्या किया जाता है, चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद में एक सभी बच्चों को एक बड़े हॉल में बैठा दिया जाता है, और बैठाने के पश्चात आपको एक हेजी या कहते हैं ब्लर्ड पिक्चर दिखाई जाती है। उस ब्लर्ड पिक्चर में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। दो इंसान ऐसे खड़े हैं, एक इंसान किसी के ऐसे कुछ करके मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी ऐसा थीम टाइप का बना देंगे। वहाँ से आपको क्या करना होता है, परसेप्शन अपने देने होते हैं। आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, और स्टोरी वो लिखेगा जो स्टोरी की प्रैक्टिस करके जाता है, और जिसको अपनी ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिला है। स्टोरी की खास बात रहनी चाहिए, स्टोरी में एक कम से कम हीरो हो, और यदि आप मेल हैं तो हीरो मेल रखने की कोशिश करें, और अपने एज ग्रुप का हीरो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद उस स्टोरी का एक निचोड़ जो होना चाहिए वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम एक आदमी था, वो व्यापारी था, उसके 2 बच्चे हुए थे, 3 मुर्गी थे, उसके बाद में उसकी पत्नी ने खाना बनाया, वो खाया, वो सो गया, ये कोई नॉनसेंस वाली बात हो गई। ऐसी स्टोरीज नहीं चलती। ये जब बच्चे आप जाएंगे कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में एसएसबी का कोचिंग लेने आफ्टर एनडीए रिटर्न पास होने के बाद में, तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि सभी बच्चों को नहीं, उससे पहले 2 पेपर हो जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल पेपर, रीजनल ओ यार ऑफिसर इंटेलिजेंस। हाँ,
OIR हो जाता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल रीजनिंग का पेपर होता है, वो तुमने दिया होगा। उसके बाद स्टोरी आई होगी, अगर तुम्हें याद है किस टाइप की स्टोरी थी और तुमने क्या लिखा था, जरा बच्चों को बताएं। तो सर वो तो मेरी फर्स्ट स्टोरी थी, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो तो ऑब्वियसली याद ही होगा। हाँ बिल्कुल, तो और वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, तो उधर हमें थोड़ी चटकी भी दिखानी पड़ती है। मतलब ऐसा होता है कि जब हमें स्टोरी नॉर्मली मेरे को फ्लश करी स्टोरी, बहुत ब्लड थी, मुझे समझ में नहीं आया, तो उसमें एक बंदे से दो थे तीन, तो मैंने एक मार्क किया उधर बॉक्स में, एंड मैंने एक बंदे के साथ एक एज्यूम करके पूरी स्टोरी बना। तो मेरी स्टोरी लगभग ऐसे थी कि एक बंदा मेरे को दिख रहा था, ही वाज जस्ट समथिंग डिप्रेस्ड। और स्टोरी की खासियत होनी चाहिए जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं और स्क्रीन में, कि हमको एलेबोरेट नहीं करना कि पिक्चर में मेरे को जो आपने बोला कि एक आदमी दिखा, वो लेटा था, वो ऐसे लेटा था, फिर वो खड़ा हुआ, फिर पानी पिया, ये ऐसे नहीं करना। ये कोई मतलब वी शुड मतलब ऑफिसर्स, अगर हम ऑफिसर्स की बात करते हैं तो ऑफिसर्स आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, नो मैटर प्रॉब्लम बड़ी हो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो कि आपको कोई ब्रिज टूट गया उसको सर्वाइव करने के लिए लोगों को बचाना है, या प्रॉब्लम ये हो कि आपको टूर पे जाना है, या प्रॉब्लम ये हो कि आपको बुक खरीद के लानी मार्केट से, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, उसका सॉल्यूशन बेस्ट होना चाहिए। छोटी प्रॉब्लम में तो छोटा सॉल्यूशन, बड़ी प्रॉब्लम में तो बड़ा सॉल्यूशन। इस हिसाब से इस वे में हमको स्टोरी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से लिखी है। तो मुझे याद है मैंने स्टोरी देखी देखी थी, डिप्रेस्ड बंदा लग रहा था, एक दीवार से लग के खड़ा हुआ या फिर लेटा हुआ था, ये अज्यूम कर पा रहा था। तो मैंने उसपे लिखी कि वो बंदा था, ही लॉस्ट हिज जॉब इन लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण, एंड फाइनेंशियल कंडीशन उसकी कुछ वीक्स हो गई थी, ठीक है, उसपे कुछ बाहर का डेप्थ हो गया, तो ही वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कैन डू। देन उसने कुछ एक्शंस लिए, उसने काफी जगह अप्लाई करने का सोचा, बट जब उसे कहीं ऑफलाइन लॉकडाउन में बंद होने के कारण नई अपॉर्चुनिटी मिल पाई, तो उसने अपने आप को मोटिवेट किया अपने दोस्त की सहायता से, मतलब दोस्तों से मदद ली उसने, फ्रेंड से, कि यार मैं ऑनलाइन कैसे चीज़ों को एप्लीकेबल कर सकता हूँ, ऑनलाइन पोर्टल देखे, कुछ ऑनलाइन जॉब सर्च करिए अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी उसका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बनाया था। तो उसने ऑनलाइन अपना पोर्टल बनाया, प्रोफाइल बनाई, ई श्रम वगैरह बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक दो वेबसाइट डाल दो अगर आपको पता है कि ई श्रम पोर्टल, तो उसने ऑनलाइन ट्राई किया जॉब के लिए, और पास की ही जगह पे उसको जॉब मिल गई ऑनलाइन, उसने लॉकडाउन में जॉब करी, देन आफ्टर उसकी लाइफ अच्छी कटी। तो मैंने इस बीच में जब उसको थोड़ा डिप्रेशन हुआ, तो अच्छी स्टोरी तुमने बनाई, वेरी गुड, एक एक हैप्पी एंडिंग करनी है, हैप्पी, और उसने अपने फ्रेंड्स को थैंक यू भी बोला इस बात। जो मोटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि हम पूरा स्टोरी ठीक बनाएंगे, बाद में कहेंगे उसने सुसाइड कर लिया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, वो चीजें पसंद नहीं आती, ठीक है। हाँ, और उसके बाद इसी बीच में मैंने एक शायरी बोली थी सर, इसी बीच में शायरी बोली थी, तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ही वाज डिप्रेस्ड, तो मैंने बोला कि ही विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स ही फेल्ट गुड एंड मोटिवेटेड हिमसेल्फ, कि गिरते हैं सह फरस्त ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वही मोमेंट था जब ट्यूटियो ऐसे से और ऐसे होकर एकदम पूरा फोकस हो गया, तो मेरे को लगा कि मेरा काम तो हो गया, लाइफ इज इनफ फॉर मी, अब मैं बाहर जाके अपने नरेशन जीडीवीडी के बाद बाहर जाके चिल होके एकदम बैठ गया, मगर सब आपस में बात कर रहे थे होगा नहीं होगा, मैं चिल बैठा था कि मेरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मोमेंट होता है जहाँ व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। उसके बाद में क्या होता है, स्क्रीनिंग होने के बाद में क्या होता है कि सभी बच्चों को बताया जाता है कि भाई तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा नहीं हुआ, चेस्ट नंबर वाइज बता देते, तुम जा सकते हो घर पे, यानी कि फर्स्ट डे आप आउट हो सकते हैं, है ना। अब दूसरी कंडीशन रहती है कि आपको अभी टिकना है वहाँ पे, अब आश्रय वहाँ पे स्क्रीनिंग हो चुका था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, उसके बाद में क्या होता है। काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई स्क्रीनिंग हो गए, अभी वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे कैसे देखने को मिलेगा, खाने का क्या रहेगा। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, जो बच्चा NDA करता है और अगर मान के चलिए उसका सेंटर UP से या दिल्ली से या राजस्थान से, कन्याकुमारी SSB सेंटर नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैसूर चला जाए, विशाखापट्टनम चला जाए, वहाँ तक का जाने का और आने का, है ना, आने जहाँ कह सकते हैं एक तरफ का ही देते वैसे, लेकिन अगर ट्रेन के हिसाब से देखते तो दोनों तरफ का, थर्ड AC का दोनों तरफ का मान सकते हैं, वो डबल करके आपको पैसा मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, अगर किसी का नंबर लकीली आ जाता है
और उसको लगता है SSB नहीं हो पाएगा, फिर भी जाए जरूर, चाहे घूमने जाए, गवर्नमेंट देगी पैसा। ठीक है, तो दूसरे दिन क्या अभी भी होता? याद है कि मुझे अभी भी याद है, मेरे लगभग 3,000 रुपये लगे थे आने जाने का ट्रेन के टिकट के, तो और मेरे उसमें से 2700 कुछ रुपए आए थे, हाँ तो अच्छा खासा अमाउंट दे देते हैं वो वापस, हाँ तो लगभग लगभग आ ही जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे दिन का बताइए, दूसरे दिन क्या होता है आजकल? तो सबसे पहले तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होने के बाद ही शाम को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और कुछ ओरिएंटेशन सेशन वगैरह होते हैं, वो हमको समझाते हैं कि आपका क्या क्या टास्क कैसे कैसे किस दिन होने वाले हैं, और कुछ सारी फैसिलिटीज बताई जाती हैं हमको, रूम अलॉट कर देते हैं वो अंदर ग्रुप्स में, दो दो तीन तीन चार चार के ग्रुप्स में, एंड उधर अच्छे खासे रूम्स होते हैं। भोपाल तो ब्यूटीफुल सेंटर है, ऑल ओवर द इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल बेहतरीन। सेंटर भोपाल है, ऐसा सेंटर, वो एक राजमहल, मेरे पास उसका फोटो है, आई विल शेयर यू। तो एकदम मस्त, एकदम ऐसी शाही जीवन, एकदम रॉयल लाइफ कटती है उधर, खाना पीना हर टाइम पे एकदम सेट, एकदम टाइमली हर चीज का मस्त तरीके से, तो उधर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, खाना पीना रहने की, कूलर वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। एंड शाम को ओरिएंटेशन सेशन वगैरह हमको दे दिए जाते हैं, पहले तो रूम अलॉट कर दिए जाते हैं, तो शाम को ओरिएंटेशन सेशन दे दिए जाते हैं, तभी हमको PIQ फॉर्म भरवाया जाता है, PIQ पब्लिक फॉर्म इन्फॉर्मेशन एक ऐसा क्वेश्चन फॉर्म आयर। होता है, मैं थोड़ा जल्दी एलेबरेट कर देता हूँ, जिसमें अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, स्टेट के बारे में कई सारी बातें मोटी मोटी तरह से पूछ लेते हैं। इसी PIQ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, क्या भर के क्या आए हैं और अब आप बोल क्या रहे हैं। अगर चीज़ें कंट्राडिक्ट करेंगी, अगर मान के चल के आओ तो वहाँ लिख के आई हो, वहाँ आप लिख के आई हो कि मैं बहुत अच्छा तैरता हूँ, ठीक है, और वहाँ जा करके आपसे पूछे कि तुम्हारी हॉबी बताओ, तुम वहाँ जाके भूल गए कि अरे यार मैं तो वहाँ स्विमिंग लिख के आया हूँ। तो कंट्राडिक्शन जहाँ होगा लिखने बोलने और करने में, कोई बच्चे कहते मैं बहुत अच्छा, मेरी मसल्स बहुत मजबूत है, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और फिजिकल वर्क बहुत अच्छा कर लेता हूँ, जब तुम्हारा वहाँ GTO खड़ा होगा देखेगा, पता चल रहा है तुम रस्सी नहीं चढ़ पा रहे हो, खत्म, जी, है ना। तो तो ये वहाँ चीज़ें प्रॉब्लम आ जाए, कंट्राडिक्ट नहीं करनी चीज़ें चीज़ें चाहिए। कंटिन्यू करो। एकदम स्मूथ में जाने वाली चीज़ें सारी, तो कंटेक्ट करेंगे तो वो तो फेक पर्सनैलिटी निकल के आ जाएगी आपकी, वो वही चीज़ उसी पे एलाबोरेशन करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें पूछते हैं, वो सिचुएशन दे दे के पूछ लेते हैं, तो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो सेकेंड डे फिर हमारा साइकोलॉजी होता है, नेक्स्ट डे साइकोलॉजी साइकोलॉजी में टेट SRT, और उसमें तुम्हारा टेट होता बैट एंड SRT एंड WAT। SD, हाँ टेट टेट में लगातार 12 पिक्चर्स आती हैं, जिसमें हर पिक्चर पे 30 सेकंड एंड 4 मिनट में दिया था लिखने के लिए इसके लिए हम लगातार, और अलग से बारहवीं वीडियो बनाएंगे, पूरा SSB में होता क्या है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तुम दूसरे दिन का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा तुम्हें, क्या लगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है? तो दूसरे दिन दूसरे दिन में, में सर हाँ दूसरे दिन में आपने बता दिया, एक तो बैट होता है ना, SRT होता है, जी और यही सारी चीज़ें होने के बाद में, और हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कुछ सेगमेंट खराब हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तुम्हें कहाँ लगा कि कुछ चीज़ों में सुधार हो सकता था या ठीक थे? तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं हिंदी मीडियम बोर्ड से था, और ऑब्वियसली बचपन से ही मतलब एक बहुत गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, और हिंदी मीडियम में तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे, कि टाइम बाउंडेड बहुत होता है, टाइम हाँ, प्रेशर, टाइम का तो थर्टी होता ही सेकेंड है, एक होंगे, बार में थर्टी खत्म हो सेकेंड होंगे हमारे पास, जाता। और उसी में हमको फिर एलेबोरेट करके स्टोरी बना के 4 मिनट के अंदर लिखने दिया, तो मैं हिंदी को इंग्लिश में, पहले हिंदी में सोच पा रहा था, फिर इंग्लिश में और कहा फिर उसको बदल ट्रांसलेट के करना चीज़ें, पड़ता, सही बात है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि टाइम लिमिटेशंस के कारण मैं कुछ ना कुछ बकवास लिख रहा, कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहा था, फ्रूटफुल एकदम, और अच्छी मतलब हिंदी में अच्छी थिंकिंग थी, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना एक अच्छे मैनर्स में, और अच्छी बहुत देखो वोकेबुलरी प्यारे में, अच्छी बच्चों, मैं आपको ग्रामर बता से। दूं, जिनको लगता हो हम बहुत आराम से कर लेंगे, इतना टाइम नहीं मिलता है ना, दस बहुत बारह फास्ट में सेकंड लर्न करना हाँ पड़ता 10-12 सेकंड में पिक्चर गायब, लिखो आराम से लिखते रहो, जी, और इतना दिमाग तो वहाँ पे बहुत टेंस रहता है थोड़ा। हाँ जी, तो उधर टेंस टेंस हो ही जाता है सबका, चाहे कोई तो कितना भी मतलब बड़ा ये टॉपर हो, बेसिकली मोटी ये मोटी बात कह कोई सकते हैं, यहाँ पे कुछ कमियाँ थी जो सुधार की जा सकती थी जिनमें, है ना। जी, तो ठीक है, मुझे सीधे वहीं पे आते कमियां लगी, हैं। हाँ बोलो बोलो। मुझे सारी कमियां मेरी वहीं पे लगी बस, ठीक बाकी है, ऑल ओवर द SSB पूरा तीसरे दिन मस्त में क्या हुआ और तीसरे दिन में तुम्हें कितना परसेंट लगा कि हाँ मेरा इतना परसेंट चीजें ठीक है? है। तो तीसरे दिन नॉर्मली हम G2 ग्राउंड से हम जाते हैं अपने G2 ड्रेस पहन के, और अभी भी मैंने GT वाली टी शर्ट पहनी हुई है वही तो होता क्या है कि हमें GT में GD होता है हमारे ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद फिर GD होते हैं, GD के बाद फिर हमारे कुछ वैसे टास्क होते हैं कि PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पट्टा वल्ली वाले, तो
उसके पूरे ग्रुप्स को होता है, फिर हमारे HGT होते हैं, मतलब 2 दिन का प्रोसेस होता है ऑल ओवर द GTO, GTO का, लेक्चरेट ठीक। होते हैं, वो कमांड टास्क, तुम्हारा, टोटल मैं नौ पूरा टास्क श्योर होते हूँ हैं वो तुम्हारा अच्छा गया होगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं जी। आएगी, वो फिजिकली फिटनेस विटनेस सब ठीक कुछ है। मस्त था, अब अच्छा कॉन्फिडेंस था, सब कुछ मस्त था। हाँ, फिर उसके बाद की जो कहानी है सबसे रोमांचक होती है, और यहीं से निर्धारण होता है कि होगा क्या, बताइए आगे। तो सर जब मैं GTO में कमांड टास्क होता है हमारा, तो उसमें इंटरेक्ट नहीं, करते हैं GTO मुझे का तो GTO के तुमने साथ, ठीक कर लिया होगा आगे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे होता है फिर हमारा सर कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस की बात फिफ्थ करेंगे, डे। क्योंकि कॉन्फ्रेंस में देखो जो तुमने किया वो भी मैटर करता है, लेकिन वो एक लास्ट चांस होता है कि यहाँ हिट करो, यहीं से सिलेक्शन की टिकट मिलने वाली है। वहाँ पे जो उनको डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं वो अपना, हाँ, कि हम क्या कि गलत बंदे को तो उनको नहीं कोई चुन हमें रहे, डाउट नहीं थे। वो सोचते हैं कि भाई जी अगर हम चुन रहे हैं तो क्या गलत को तो नहीं चुन रहे, यदि नहीं चुन रहे तो जी क्या सही बंदे को तो नहीं डिस्क्वालीफाई कर रहे। ये लास्ट डे होता है, जिसको जो करना है कर लो, वहीं से आपकी किस्मत लिखी जाती है। तो लास्ट डे तो मैं पूछना चाहूँगा आश्रय, तुम्हें वो कमियाँ बताओ जो तुम्हें खुद से लगता है कि यहाँ सुधार होता तो बातें ठीक रहती। सर लास्ट डे क्या होता है कि जो हमारा ऑल ओवर द तीन हम टास्क कर रखे हैं, साइकोलॉजी, इंटरव्यू और GTO, उन पे बैठ के सारे ऑफिसर से उस दिन लास्ट डे डिस्कस करते हैं कि हाँ इस बंदे ने यहाँ पे ये चीज शो किया है। साइकोलॉजी में सपोज करो मैंने शो किया कॉन्फिडेंस, लेकिन GTO में उन्हें कॉन्फिडेंस दिखा दी, लेकिन इंटरव्यू में बोलते हैं यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है, तो तीनों चीज कंट्राडिक्ट कर गई। तो वो देखते हैं कि एक बैलेंस पर्सनैलिटी हमारी है कि, मतलब एक अगर वी आर द बैलेंस पर्सन तो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो चीज उनको देखते हैं। दूसरा कि उनको कुछ डाउट्स होते हैं कुछ कोर क्वालिटीज पे, कि ये बंदा किसी मतलब क्या क्या क्वालिटीज पे, इसमें फियर तो नहीं है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का फोबिया तो नहीं है, इसमें पब्लिक स्पीकिंग वगैरह की स्किल्स हैं कि नहीं है, थोड़ा हाँ बहुत हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि या ये जो बोल रहा है वो सच है भी कि नहीं। तो बिल्कुल, इन्हें 3 केस होते हैं। एक केस होता है बंदों का कि जो क्लियरली आउट होते हैं, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, उनको बुलाया जाता है, पूछा जाता है खाना पीना कैसा था और भेज दिया जाता है। एक बंदे होते हैं जो क्लियरली इन होते हैं, उनसे भी सेम सवाल पूछे जाते हैं, एक दो बात एक्स्ट्रा पूछी जाती है और अच्छे मैनर्स से पूछे जाते हैं बस, थोड़ा सा कि आपकी क्या थी, आपका कोई सजेशन वगैरह ये, तो उन बंदों को भी बाहर पर भेज दिया जाता है। एक बंदे होते हैं जो बॉर्डर लाइन फ्रंट कैंडिडेट्स होते हैं, तो आई वॉज द बॉर्डर लाइन कैंडिडेट, जिनके के वो गिर भी सकते हैं और अप ऊपर भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके उनको आउटकम वो पर। ले तो लेते हैं। उनका पहले डिस्कशन चलता है, उनका हाँ अंदर पहले 10-5 मिनट अपना डिस्कशन चलेगा, वन बाई वन करके बुलाते हैं। तो एटलीस्ट मेरा डिस्कशन चला था, मेरे को याद है 10-12 मिनट अंदर डिस्कशन इसका चला, मतलब है उसके तुम बाद फिर बाउंड्री मैंने लाइन उनको पे थे बुलाया। और वो हो सकता था। तो ये वहीं से पता चलता है कि यू आर बॉर्डर लाइन और यू आर दिस, मतलब SEO आना जाना नहीं है बस। तो मैं बॉर्डर लाइन था, 10 मिनट मेरा अंदर डिस्कशन चलता रहा, मैं बाहर वेट करता रहा, आपको लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या देखो, चल रहा होता है। नियति को कुछ और मंजूर था, आश्रय फाइनली SSB पास नहीं कर पाया, लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आश्रय की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है।